मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विकास के यूं तो बड़ी बड़ी दावे करती है, लेकिन रतलाम जिले के ग्राम पंचायत जामथुन के अंतर्गत ग्राम पंथपाड़ा की सड़क देखें तो वो बद से बदतर हो चुकी है। एक बार ऐसा ही शर्मसार करने वाला मामला, ऐसी ही शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आलम यह था कि घुटने तक कीचड़ में भरी सड़क से शव को कंधों पर ले जाया गया। दरअसल मामला ग्राम पंचायत जामथून अंतर्गत ग्राम पंथपाड़ा का है। मृतक सोहन डामोर के परिजन राजेश ने बताया कि गांव में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता पिछले कई सालों से बदहाल है। सोमवार रात 12 बजे के करीब सोहन पिता नानूराम डामोर उम्र 35 वर्ष की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात्रि के समय गाँव में साधन नहीं होने पर उन्होंने पीड़ा में रात गुजारी। मंगलवार सुबह सोहन डामोर को गंभीर हालत में मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मंगलवार देर रात सोहन ने दम तोड़ दिया। निजी वाहन से शव निवास स्थान ले जाया गया, लेकिन 2 किलोमीटर बदहाल सड़क के कारण वाहन गांव में प्रवेश नहीं कर सका। शव को वाहन से उतार परिजन चद्दर में लपेट पैदल कीचड़ में घर तक ले गए। अभी मुझे एक अभी तत्काल संज्ञान में आया है, जामथुन पंचायत का है बता रहे हैं, और ऐसा पता चला कि प्रधानमंत्री सड़क का, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। और क्या मामला है उसमें हम दिखवाते, क्योंकि अभी ऐसी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में तभी कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन संज्ञान में आया मामला तो हम उसको तत्काल जल्दी दिखवा के और उसका निराकरण करवाते हैं कि कैसे रास्ता और भी ठीक किया जा सकता है। प्रस्तावित है तो कब तक बनेगा, ये सारी चीज़ें देख के फिर उसका निराकरण करेंगे। अभी विभाग से पता करने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये लेट क्यों हुआ या प्रस्तावित कहीं और कुछ कारण है ये, क्योंकि अभी तत्काल बताने की स्थिति में नहीं हूँ। विभाग ही बता पाएगा प्रॉपर कि क्यों नहीं हो पाया प्रस्तावित, अभी उनसे जानकारी लेकर हम कार्रवाई करेंगे। रतलाम से अमीन हुसैन की रिपोर्ट।